उसका 40% में वृद्धि की गई है। और इस 40% का सबसे बड़ा अंश जो है लाभ का, वो भी उत्तर प्रदेश को मिलने जा रहा है। आप जानते हैं लखनऊ से जयपुर, लखनऊ से उदयपुर होती कामाख्या होती हुई दो दो ट्रेनें जहां मिली हैं, वहीं स्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए अयोध्या में 100 करोड़ तो केवल आधुनिकतम जो है रेलवे स्टेशन बनाने के लिए, यानी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों को जो रेलवे का 8,590 करोड़ रुपया है वो खर्च होगा उत्तर प्रदेश के रेलवे के जो स्टेशन है उनके ठीक करने का, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का उत्तर प्रदेश में मिलेगा। हम जानते हैं कि आज रेलवे को जहां अयोध्या में 100 करोड़ रुपए मिल रहा है वही इस वर्ष 50 करोड़ रुपए पहले मिल चुके हैं। हम उत्तर प्रदेश में अगर यहीं से देखें तो बाराबंकी से अकबरपुर तक 161 किलोमीटर की रेल की डबलिंग, विद्युतीकरण 1200 करोड़ रुपए के कार्य में 258 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश का है। जौनपुर टाडा 77.25 किलोमीटर रूट की डबलिंग का प्रोजेक्ट जो है उसमें 204 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को मिला है। यानी हर तरफ से हम बजट में देखें तो बजट का सीधा लाभ हमें उत्तर प्रदेश में मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो हम कह सकते हैं कि जो एमएसएमई का मजबूती के लिए केंद्र सरकार ने काम किया है, पैसे का आवंटन किया है, उसका लाभ भी हमको सीधे तौर पर मिल रहा है। हम इस बात के लिए भी मोदी जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने किसान के आय को दुगुनी करने के लिए तमाम जहां प्रयत्न किए हैं वहीं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का भी गठन किया है। और हम कह सकते हैं कि जो एमएसपी पर खरीद में हमारी वृद्धि भी है, जो यूपीए सरकार की समय जो हमारा मूल्य था उससे कई गुना ज्यादा की वृद्धि हुई है। हम हर तरफ इस बात को जान सकते हैं कि मोदी सरकार ने हमारे किसानों के खाते में 3 गुना राशि, जो यूपीए सरकार में जितनी राशि थी उससे 3 गुना राशि किसानों के खाते में सीधे पहुंचाई है। चाहे वो दाल हो, गेहूं हो, धान हो, इनकी फसलों की एमएसपी भी बढ़ाई गई है, जो न्यूनतम लागत मूल्य है उसमें भी वृद्धि किया गया है। और हम सब इस बात के लिए भी कि शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल जो परिवर्तन हुआ है उसका भी लाभ हमारे उपक्रमों में बजट ने सीधे तौर पर किसानों की आमदनी को दोगुना करने की तरफ एक कदम बढ़ाया है। तो ये बजट जहां आर्थिक रूप में सशक्त बजट है वहीं ये बजट इस बात का परिचायक है कि कोरोना संक्रमण के बावजूद जबकि पूरे दुनिया की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि हमारी जो जीडीपी है, जो ग्रोथ रेट है हमारे, वो अगले वर्ष डबल डिजिट में होगी। ये शायद दुनिया के अन्य देशों के लिए एक उदाहरण, एक संदेश के तौर पर है। उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से प्रेरित होकर तमाम विकास कार्यों को और केंद्र की योजनाओं को उनके साथ में मिलकर अंतिम कार्य रूप दे रही है। चाहे डिफेंस कॉरिडोर हो, हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, गंगा एक्सप्रेस वे हो, या पूर्वी जो हमारा उत्तर प्रदेश का एक्सप्रेस वे है वो हो, हमने चाहे वो गोरखपुर का लिंक रोड हो, हमने सारा एक ऐसा समग्र प्लान बनाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने कि चारों ओर विकास की गति तेजी के साथ में बढ़े। गांव-गांव शौचालयों का निर्माण, गांव-गांव अब जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल हो, हर घर पाइपलाइन के माध्यम से जल को पहुंचाने की व्यवस्था हो या हैंड पाइप के माध्यम से, यानी पीने के पानी की समस्या का निवारण के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू किया गया है। इसलिए
ये बजट सर्वग्राही है, समावेशी है, कृषि आधारित है, शैक्षिक उन्नयन के लिए आदर्श प्रस्तुत करने वाला है, उद्योगों के लिए नया स्वप्न जागृत करने वाला है, महिलाओं और नौजवानों के लिए जहां आशा का केंद्र बिंदु बना है, वहीं रक्षा संसाधनों के लिए एक शक्ति के रूप में काम करेगा। ये जो प्रेस वार्ता थी वो इसी उद्देश्य से थी कि हम सभी जगह केंद्र सरकार ने जो हमारे वायदे पूरे किए हैं, जो प्रेस नोट है उसमें हमने, उसके अलावा मैंने बोला है जो उत्तर प्रदेश में विकास हुए हैं वो प्रेस नोट में आपके नहीं दिया गया है, वो मैंने इसलिए प्रेस नोट में जो चीज दिया है उनको ना बोल के मैंने वो बोला है जो उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में जिन्होंने नोट किया होगा, मैंने एकलव्य विद्यालय 6 मिलेंगे हमको इसके बारे में कहा, हमारे सबसे ज्यादा नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतें हैं, 707 निकाय हैं, इनमें सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश को जो जल जीवन मिशन है उसका इसीलिए मिलेगा, 137% का जो बजट मिलाट हुआ है।